हाँ जी, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट वन देख लिया होगा कि मेरा स्पीकिंग एक्सपीरियंस क्या रहा, और उसके बाद ये पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में कोई भी हेलो और हाय ना लिखे, सिर्फ अपना डायरेक्ट क्वेश्चन डाले, और हो सकता है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं एज के रिलेटेड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आती है बात फॉलोअप की, तो फॉलोअप में मुझे पहला सवाल पूछा गया बाई कंपनीज आर मेकिंग एडवांसमेंट। सो उसके जवाब में मैंने कहा कि मैंने बोला कि जो लोग हैं ना, उनको चाहिए कुछ नई चीज़, और उसके लिए डिमांड जो हाई रहती है, इसलिए कंपनीज जो हैं उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए दे डू एडवांसमेंट्स, दे मेक फीचर्ड रिच प्रोडक्ट्स सो दैट पीपल कैन बाय एंड दे कैन यूज़। एक कारण ये हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया एडवांसमेंट जो कंपनीज करती हैं। दूसरा कारण है कि जैसे कि अब दूसरा कारण है कि कंपनीज ना अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सब कुछ करती हैं, एडवांसमेंट्स करती हैं, सो दैट दे कैन अर्निंग को अपनी को बढ़ा सकें वो। ठीक है, दो मैंने कारण दिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोला नहीं, अपना बोल कर मैं हट गया। और जब मैंने ये बात की ना अभी कि कंपनीज अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती हैं इसलिए वो एडवांसमेंट करती हैं, मैडम ने ना झट से सवाल एक और फेंक दिया मेरी तरफ, और कहने लगे कि हाउ दे कैन गेट प्रॉफिट। तो उसके जवाब में मैंने बताया कि जब लोग हैं जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी रिच प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो अपना पैसा लगाते हैं, पैसा मार्केट में जाता है, और वहीं पैसा जाता है कंपनीज़ की तरफ। और कंपनीज़ ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में बेचेंगी, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने बोला कि उसी पैसे से वो रिच बन जाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, मार्केट में उनका शेयर बढ़ जाता है। और दूसरा मैंने ये भी बोल दिया था कि दे डू ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल, दे बाई दोज एडवांस प्रोडक्ट्स फ्राम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड वेन दे विजिट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ द पीपल, कंपनीज गेट हायर अमाउंट एंड दे गेट पॉपुलैरिटी एज वेल, इन दिस वे दे बिकम प्रॉफिटेबल। सो इसका जवाब मैंने ऐसे दे दिया था। तो उसके बाद सवाल मुझसे पूछा एनी डिवाइस विच इज़ वाइडनिंग द पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो मेरे दिमाग में उस वक्त वही एक वर्ड आया, मोबाइल फ़ोन। तो मैंने बोला मोबाइल फ़ोन्स आर द ओनली वन विच आर क्रिएटिंग गैप बिटवीन द रिलेशनशिप्स, एंड व्हेन पीपल यूज़ मोबाइल फ़ोन्स दे जस्ट यूजुअली फोकस ऑन स्क्रीन, एंड दे डू नॉट समटाइम्स गेट टाइम इन ऑर्डर टू स्पेंड विद द रिलेटिव्स और विद फैमिली मेम्बर्स, एंड दैट्स वाई आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और द मोबाइल फोन्स पीपल हैव नो टाइम इन ऑर्डर टू स्पेंड विद देयर लव्ड वंस। गाइज, एक ना बात मैंने ये बोल दी थी कि समटाइम्स पीपल फील लोनली वैन दे यूज़ मोबाइल। तो मैम ने ना एकदम से सवाल मुझे पूछा कि वाई दे फील लोनली व्हेन दे यूज़ मोबाइल फ़ोन। तो इसका आंसर ना मैंने थोड़ा सा कह लीजिए कि तोड़ मरोड़ दिया आंसर को। मैंने आज कुछ ऐसा बोला था कि पीपल फील लोनली बिकॉज देयर मे बी चांसेस दैट कन्फ्लिक्ट्स कैन बी अराइजन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, एंड दोज फैमिली मेम्बर्स हु फाइट विद देयर लव्ड वंस और फैमिली मेम्बर्स दे यूज़ मोबाइल फ़ोन, एंड दे स्पेंड यूजली देयर टाइम ऑन द स्क्रीन, एंड दे डू नॉट हैव सम टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली मेम्बर्स, एंड दैट्स वाई दे फील लोनली जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स दैट अराइज बिटवीन दैम। तो इसका आंसर ना देते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक या नहीं है आंसर। और इसके बाद ना एक इंट्रो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया। इंट्रो क्वेश्चन में ना मुझे एक सवाल पूछा गया कि इज़ देर एनी थिंग यू वॉन्ट टू चेंज इन योर कॉलेज।
वो कॉलेज वाले क्वेश्चन चल रहे थे, तो मैंने उसके जवाब में ये बोला यस देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन माई कॉलेज, वेन इट रेन्स देर इज़ अ वेरी बिग डिफ़िकल्टी फॉर द स्टूडेंट्स वेन दे एंटर द कॉलेज, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर वन थिंग दैट इन फ्यूचर माई कॉलेज शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक फॉलोअप वाला क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया कि कन्फ्लिक्ट्स वाला बोला। तो यही दो क्वेश्चन ने मुझे ना बहुत तंग किया अगले 13 दिन। जब मेरी स्पीकिंग एंड हुई, लास्ट वाला फॉलोअप जो कन्फ्लिक्ट्स वाला बताया मैंने, और थैंक यू बोलकर मैं बाहर आ गया कमरे से और पासपोर्ट उठाया और मैंने मैं घर पहुंच गया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले आकर मैं घर पे ये बात बोल दी थी कि मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि दो क्वेश्चंस ना मुझे बहुत कहूँगा कि तंग किया अगले 13 दिन। तो मैंने ये बोल दिया था कि स्पीकिंग में हो सकता है कि अच्छे बैंड ना आए, और मैं टेंशन फ्री हो गया था ये बोलकर, आ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, कोई और देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे या फिर छोड़ देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये दो क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस किए, तो उनमें से एक ने तो कह दिया कि कोई बात नहीं, एक दो फॉलोअप तो होता है, लेकिन बाकी जो स्पीकिंग हुई है बहुत अच्छी हुई होगी ना। एक ने बोल दिया कि जैसे मैंने आपको बताया ना, इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन कॉलेज, तो उसमें एक जने ने मुझे बताया कि ये तो मेमोराइज कंटेंट है, वो हम विलेज के बारे में नहीं बोलते चीज़ ना, हम कहते हैं विलेज में कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, ये फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो ये मुझे बताया गया कि मेमोराइज कंटेंट में आता है, क्योंकि सभी ये बातें कॉमन होती हैं ना। तो मैं थोड़ा सा और डर गया उस वक्त मैं जब डिस्कस कर रहा था अपने दोस्त के साथ। तो ये सब बातें थी कि मुझे इन दो क्वेश्चंस ने ना बहुत तंग किया आखिर तक जब रिज़ल्ट नहीं आया। तो 24 तारीख को स्पीकिंग हो गई, और लगभग ये स्पीकिंग चली मेरे ख्याल में 15 से 16 मिनट मुझे लगता है कि चली। और उसके बाद घर पे क्वेश्चंस वगैरह लिखे, दोस्तों के साथ डिस्कस किया, और मैं फिर तैयारी में लग गया था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करूँगा मैं राइटिंग में, स्पेशली लिसनिंग तो एंड रीडिंग तो टाइम पे देखा जाता है क्या होगा। तो स्पीकिंग का सिलसिला तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये रहा मेरा स्पीकिंग एक्सपीरियंस, और आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी।